नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने गांव बन मंदोरी के करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गांव में गंदे पानी की निकासी, गली का निर्माण और फिरनी निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा चौक बनाने सहित कई परियोजनाएँ शामिल है। गाँव में जनसभा पर लोगों को किया संबोधित। गाँव में खुला दरबार लगा और वहीं लोगों की समस्याएँ भी सुनी गई। कई समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत से इलाके में होने वाले विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने एस्टीमेट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज विलेज वन मदोरी है, उसके अंदर कई नई जो चीजें बनकर तैयार हुई है उसका उद्घाटन किया, जिसमें पंचायत की जमीन में दुकान बनी बनाई गई है, फिरनी को पक्का किया गया है, पाइपलाइन बिछाई गई, इस तरह के कई काम थे जिसका लगभग करीब 2 करोड़ रुपए की लागत। लोगों की समस्या वहाँ खेतों बिजली की, पानी की और स्वयं की ज़्यादा दिक्कतें हैं। लोगों ने समस्या रखी, अधिकारियों को वहीं कहा गया है और कुछ बातें चंडीगढ़ के लेवल की है वो मैंने सीनियर अधिकारियों से या मुख्यमंत्री से बात करूँगा। तो क्या शामिल है परियोजना में, क्या किस चीज़ का शिलान्यास किया गया? देखिए, आज तो ये जो तैयार हुए उसका किया और ख़ास करके मैंने जो पीछे धनबादी दौरा किया उसमें करीब मुख्यमंत्री जी ने विधायक को 5 करोड़ रुपये दिए, वो हर गाँव में मैंने जहाँ जरूरत के हिसाब जान दी मांग थी उस हिसाब से 5 करोड़ रुपए सारे हल्के में मैंने लगभग वो एस्टिमेट बनवा के सरकार को।